चमन तुम्हारा है, तुम हो नब महाद से भी ये वतन अमानत है, और तुम अमीलो ये वतन तुम्हारा, तुम हो पास बारिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूँ आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान डे है, 14 अगस्त का दिन है। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं लोग, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, जश्न आजादी मनाने के लिए आए। आज का प्रोग्राम हम आम पब्लिक के साथ करेंगे कि 14 अगस्त वो कैसे मना रहे हैं और आज के पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, झंडे लेके यहाँ पर वो आए हुए हैं सड़कों पे, और 14 अगस्त मनाने की खुशियों में यहाँ पे सब शरीक हैं, और बड़ी तादाद में लोग जो हैं सब पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी मौजूद हैं। आज के दिन आम पब्लिक से जैसे हम कह रहे हैं कि सवाल करेंगे कि वो इस प्यारे पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा पाकिस्तान चाहते हैं, और पाकिस्तान के लिए इन्होंने किया क्या। आप जश्न आजादी मनाने आई हैं, कैसा लग रहा है 14 अगस्त का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या किया आज आपने सारा दिन? प्यारे की। आप तो पाकिस्तान के लिबास में भी, झंडे में भी मलबूस हैं, तो कैसा गुजरा आपका 14 अगस्त का दिन? कैसा पाकिस्तान देख रहे हैं? बहुत सारी महरूमियां, बहुत सारे मसाइल में इस वक्त घिरा है पाकिस्तान, तो कैसा पाकिस्तान आप देख रहे हैं, कैसा होना चाहिए? पाकिस्तान वैसे ही होना चाहिए जैसे कायद ने फरमाया था कि इसमें हर चीज की आज़ादी हो, हर मजहब का आज़ादी हो, हर शख्स का आज़ादी हो, औरत को आज़ादी हो, मर्द को आज़ादी हो। क्या आज का पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान है जो कायद के पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, वैसा तो नहीं है, मगर यह है कि अगर कोशिश की जाए और कायद जैसे लोग मिल जाए तो व्हाई नॉट, वैसे ही पाकिस्तान। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में इस वक्त जो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल में इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं? मुझे बच्चे भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं झंडे उठाए हुए, कि आप यंगस्टर यूथ को आप रिप्रेजेंट भी करें, कैसा पाकिस्तान चाहते हैं और आप लोग खुद पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान अभी जिन हालात में है, इससे निकलना जो है वो तो चाहिए। बहुत से क्राइसिस हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और स्पेशली यूथ को चाहिए कि वो निकले और इस मसाइल का जो है वो हल निकाले, और हम सबको चाहिए कि हम यूनाइटेड होके इनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करें। सिर्फ हुकूमत को ब्लेम करना, गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं है, हम लोग खुद कुछ करेंगे तो कुछ होगा। आज 14 अगस्त का दिन है, आप क्या सोचती हैं कैसा पाकिस्तान होना चाहिए? हम खुद तो बहुत अच्छा होना चाहिए, मगर ये है कि चंद सालों से जो बहुत बुरा हाल हो रहा पाकिस्तान का, महंगाई इतनी है कि जिसका कोई हम सोच भी नहीं सकते, गरीब आदमी को गुजारा कर ही नहीं सकते, बहुत बुरा हाल हो रहा। हुकूमत को ठीक कैसे की जा सकती है? हुकूमत के जाने से ठीक होगा? नहीं, दोनों मिलकर करना चाहिए, हुकूमत तो भी करनी चाहिए और आवाम तो भी करना चाहिए साथ। आम और हुकूमत मिलकर कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? आवाम को भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, हुकूमत को भी करना। आप 14 अगस्त मनाने के लिए आए हैं, कैसा पाकिस्तान देख रहे हैं? इस वक्त झंडियां देखने आए हैं, लाइट्स देखने आए हैं, या एक अच्छे पाकिस्तान के लिए आप आए हैं? पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा अपना है, हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, और आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान से मैं बहुत प्यार करता हूँ। पाकिस्तान से प्यार है, ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको पाकिस्तान से प्यार है? हाँ बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान है, जिंदा दिल लोग हैं सब, और बहुत ही जफाकश और बहुत हिम्मत वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये 14 अगस्त के दिन ही हमें ये प्यार जागता है, ये सारा साल भी हमें ये प्यार याद रहता है? इसमें मेरा सबसे ज्यादा जरूरत आज के दौर में हमें सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि हमें जो कायद ने हमें पाकिस्तान दिया उसको हमने आगे लेके जाना है, बजाय इसके कि हम अपनी महरूमी और अपनी उन चीजों को देखते रहें। सबसे ज्यादा हमारे पास अल्लाह ताला ने हर किस्म की नियमतों से भरपूर हमें नवाजा हुआ है, अब हम उसको किस तरह उसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा हम अपनी जो इन तवानाइयों को इकट्ठा करें और इसके बाद हम अपनी काविशों को यकजा करके उसके हम कोशिश करें कि जो ख्वाब कायद ने देखा था उसको पाया तकमील तक पहुंचा सके। लेकिन जिस वक्त डिप्रेशन है सोसाइटी में, फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा, टेररिज्म है, तो आप क्या कहती हैं कि हम बहसीत पाकिस्तानी आप देख लें, हमारी कोई जगह महफूज नहीं है, लेकिन इस प्यारे खुद इसके लिए देखिए हमें खुद मुस्तकिल होना पड़ेगा, हमें खुद आगे बढ़ना होगा, हमें खुद आपस में इतिहाद रखना होगा। ये नहीं है कि हम दूसरों का इंतजार करेंगे कोई आएगा, हमें खुद सब आपस में मिलजुल कर
सारा काम करना पड़ेगा हमें, हमें खुद सारे काम। लेकिन आम लोगों से जब हम पब्लिक से बात करते हैं कहते हैं बहुत ज्यादा महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, हम तंग आ चुके हैं, तो क्या आज 14 अगस्त के दिन आप देख रही हैं, समझ रही हैं, ऐसा महसूस कर रही हैं कि हम लोग जज्बा मौजूद है हमारे अंदर, बेतहाशा जज्बा मौजूद है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हमें ये पावर है अल्लाह ताला ने दी हुई है, हम इतनी इस्तेदाद हमें है, हम जो चाहे कर सकते हैं, कितना हम ये सिर्फ हमें जोश दिलाने की जरूरत है, ऐसे कोई बात नहीं, हम हमारा जवान में ये सारी हिम्मत है, ताकत है, हौसला। अच्छा बच्ची कुछ कहना चाह रही है, काफी देर से आपने इसको उठाया हुआ है, क्या कहेंगी पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से प्यार है, प्यार ये बच्चे से, इस बच्चे से सारे खड़े हैं। आप क्या कह रही हैं, आपकी जश्न-ए-आज़ादी कैसे मनाई आज? बहुत मजा आया हमें बना के, आपने जी बहुत एंजॉय किया है, बताया आपको अच्छा एंजॉय किया आपने, ठीक है। आप बेटा आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप भी जश्न आजादी मनाने आए हैं, आप कैसा, आप अभी तालीम हासिल करें, आप कैसा पाकिस्तान देखते हैं, कैसा पाकिस्तान होना चाहिए? जी फ्यूचर में पाकिस्तान बेस्ट होना चाहिए, तमाम यूरोपियन कंट्री से बेहतर होना चाहिए, हम दुआ करते हैं पाकिस्तान को अल्लाह अच्छे हुक्मरान अता करे। अच्छा पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान अता करे, अच्छे हुक्मरान होंगे तो पाकिस्तान ठीक होगा, या आप जैसे बच्चे आगे जाएंगे तो पाकिस्तान ठीक होगा? पता नहीं, आप लोग आगे जाएंगे तो पाकिस्तान ठीक होगा, हमारे जाने से पाकिस्तान ठीक होगा। हमारे लोग यहाँ पे बेतहाशा बड़ी तादाद में मौजूद है और हमारी कोशिश होगी, हम बच्चों से भी बात कर रहे हैं, नौजवान यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, खवातीन मौजूद है बड़ी तादाद में, हम उनसे भी बात करती हैं, जोश और जज्बे का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या वो जज्बा हमारे अंदर मौजूद है 14 अगस्त के हवाले से? खवातीन क्या कर सकती है प्यारे पाकिस्तान के लिए? हमें भी बहुत कुछ करना चाहिए, और मसलन क्या करना चाहिए? दुआएं करनी चाहिए, अगर वहाँ से पाकिस्तान की किस्मत ठीक हो जाएगी, तकदीर ठीक हो जाएगी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक होगा। छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, यहाँ बच्ची को लेके आए, क्या कहेगी बच्ची? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े क्यूट बड़े स्वीट बच्चे हैं, और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। आप भी यहाँ पे जश्न आजादी जो है यहाँ पे मनाने के लिए आई, बच्चों से भी हम बात करें, आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहती हैं, खवातीन क्या किरदार अदा कर सकती हैं? खवातीन को हर फील्ड में आगे होना चाहिए, खवातीन को कम अज कम इतना करना चाहिए कि अगर हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही तो खवातीन को आगे आ जाना चाहिए। खवातीन ये कह रही है कि अगर हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आती खवातीन को आगे आना चाहिए, तो खवातीन कैसे आगे आ सकती हैं? हम आपसे भी बात करते हैं कि खवातीन कैसे आगे आ सकती हैं, क्या मतलब पढ़ लिख के आए पॉलिटिक्स में आए, या फिर अच्छी कंट्रीब्यूशन अपनी किस तरीके से सोशल सेक्टर में अदा करें? देखिए पाकिस्तान में खवातीन के तनासब बाकी कंट्रीज से बहुत बेहतर है, यहाँ पर बहुत सी खवातीन हैं, बहुत सी यंग जो है नौजवान लड़कियाँ हैं, और वो अपना बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर सकती हैं, और वो उसी वक्त पॉसिबल होगा कि जब वो अपने तालीम के शोबे में आगे जाएंगी, और उसके बाद तालीम हासिल करने के बाद वो उसको अप्लाई भी करेंगी। अगेन अनलेस दे यूज व्हाट दे हैव लर्न, दे वोंट बी एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू दिस कंट्री। तो सिर्फ सेलिब्रेट करने से मसले का हल ही होगा, जब तक वो खुद बाहर नहीं आएंगी और अपना पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेंगी, हम कुछ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान खवातीन। और वो कह रही है कि एजुकेशन से तालीम से हम मुल्क की किस्मत और तकदीर बदल सकते हैं, सिर्फ नारों से तकदीर नहीं बदली जा सकती, हमें अपना मिलकर किरदार अदा करना होगा। ब्रेक के बाद हम ये सवाल उठाएंगे कि आज के दिन हम सबसे एक ही सवाल करेंगे कि हमने इस पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया, हमारा क्या किरदार था, और हम इस पाकिस्तान को कैसे मजीद बेहतर बना सकते हैं, और खुद से क्या हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज 14 अगस्त तो मना रहे हैं आज के दिन, लेकिन आवाम जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, सोसाइटी में इतना डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन आज का जज्बा देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में वाकई अभी भी हमारे दिल जवां हैं, जज्बे जवां हैं, और लोग खुशी से आज 14 अगस्त का दिन मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, आप नारा लगा से पहले क्या नारा लगाएंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पे गूंज रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए? आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान अच्छा लगता है आपको? आज आपको पता है आज कौन सा दिन है? 14 अगस्त। 14 अगस्त, 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बना था। अच्छा हम एक बात करें कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, तो इन मसाइल से कैसे निकल सकते हैं, आप क्या कहेंगे? इन मसाइल से हम ईमानदारी अनास्थित से हम काम करें, और ये है कि हम मिल के मिलजुल के एक दूसरे से यूनाइटेड होके काम करें, और एक दूसरे की यानी कि जो उनको एक दूर करके अपनी खामियों को, हमें चाहिए कि हम मिलके मिलजुल के काम अल्लाह से अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बड़ी दुआ का आपने जिक्र किया,
मिलजुल के लिए आपने करना है, पाकिस्तान के लिए हम खुद से क्या कर सकते हैं, हम तनकीद सब पे करते हैं कि पाकिस्तान ये करप्शन है, हम खुद कुछ किया पाकिस्तान इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए, पाकिस्तानी खुद से कोशिश करे। वी हैव ऑलरेडी ट्राइड अवर गवर्नमेंट सो एक यूथ को मिलकर आपने क्या अहद किया। मेरे ख्याल में जी मेरी अदना राय के मुताबिक गिले शिकवे के तो हम कर ही रहे हैं, हर चैनल हर जगह से गिले शिकवे तो आ ही रहे हैं, क्यों ना ये अहद करें कि आज सिर्फ और सिर्फ एक नारा लगाना है हमने कि पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। इन बच्चों के कानों में ये आवाज़ जो है ना वो सराइत करनी चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा रहेगा और रमजान का बाबरकत महीना है और हमेशा रहने के लिए पाकिस्तान बना, क्योंकि जैसे हम जिक्र करते हैं 27 रमजान उल मुबारक को ये पाकिस्तान हमारा बना। आपस की हमारी खामियां हो सकती हैं, कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन लोग बार बार यही कह रहे हैं कि हम हमारे जज्बे आज भी जमाएं और हम अपने पाकिस्तान के लिए खुद से आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ हम नारा ही लगाएंगे या कुछ अहद भी करेंगे आज? नहीं, अहद तो करना चाहिए कि हमें मेहनत से काम करना चाहिए और जो बुराइयां उन्हें सामने रखकर आगे बढ़ना चाहिए, तो ये चीज है। जहां तक बाकी हुकूमत का काम है तो उनका ये काम है कि जो मेरिट्स वगैरह उस पर भी बहालियां वगैरह सब कुछ और करप्शन बिल्कुल खत्म हो। क्या आज का कायद का पाकिस्तान आपको नजर आता है, करप्शन इतनी सोसाइटी? मुझे बिल्कुल कायद का पाकिस्तान नहीं नजर आता, कायद के हमें ये पाकिस्तान नहीं दिया था। आजकल सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के लिए जो मसाइल है वो लोड शेडिंग है। बेसिकली लोड शेडिंग के है कि हम बैठ के जो हमारी प्रिपरेशन है वो नहीं कर सकते ड्यू टू लोड शेडिंग, घंटे घंटे दो दो तीन तीन घंटे लाइट जाती है। और ये तो कुछ नहीं, ये तो हम फिर कैपिटल में रह रहे हैं, जो साइड एरियाज रूरल एरियाज है उधर पूरा पूरा दिन नहीं लाइट आती। ये कायद का पाकिस्तान है क्या? ये कायद का मोटो था, कायद का मोटो था स्टडी स्टडी एंड स्टडी, काम काम काम। कायद का मोटो को हम क्या फॉलो कर रहे हैं? ये किस तरह का हुकूमत, ये कब आज हम पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं, कब हुकूमत ये हमारी ऑर्डर्स पूरे करेगी, कब ये लोड शेडिंग से? आपको लगता है हुकूमत करेगी हमारे मुतालबात को पूरे करेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। आपको लग रहा है इंशाल्लाह हुकूमत पूरा करेगी, लेकिन हुकूमत पे तो हम ब्लेम कर रहे हैं और बार बार हम जिक्र भी कर रहे हैं पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, हम ठीक खुद से कैसे कर सकते हैं? चोर दरवाजे बंद हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो सकता है जी। और करप्शन जो सोसाइटी में, इसको कैसे खत्म? करप्शन वही है ना जी, अगर चोर दरवाजे बंद हो जाए तो आई थिंक सो कि ये सारा कुछ क्लियर हो सकता है। जो महंगाई है, बेरोजगारी है और टेररिज्म है, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, ये कैसे दूर हो सकती है जी? इस मुल्क के लिए हमें आजाद और ईमानदार बनना चाहिए, लीडर चाहिए, जो हमारी ईमानदार सरदार हमारे ईमानदार होने चाहिए, इसलिए हम कामयाबी कर सकते हैं। ईमानदार कैसे आएंगे जब आप लोग वोट ऐसे लोगों को करेंगे जो असेंबलीज में जाके बैठेंगे, तो ईमानदार लोग कैसे? हम सब लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देने चाहिए, ताकि अच्छे लोगों को वोट दें जो हमारे फायदे का हो, जो लोड शेडिंग खत्म करे। आज 14 अगस्त का दिन है, आप लोग क्या अहद करते हैं, कैसे लोगों को वोट करेंगे आइंदा? वोट की बात तो बाद में आएगी, हम पाकिस्तानी होने के नाते मुझे ये बताया क्या किसी ने कोई सादगी अपनाई है? अल्लाह ने जो हमें नेमते दी है, आज हम ये कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं जी बिजली नहीं है, क्या हमने अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल कम किया है? क्या हमने अपने पहनने में या जो भी नेमते दी हैं, ये CNG का मसला है, मुझे ये बताएं कि क्या किसी बंदे ने इसके इस्तेमाल में कोई कमी की है? जब तक कि हम अपने इस्तेमाल में कमी नहीं करेंगे, कोई थर्ड बंदा आके हमें कुछ भी नहीं देगा। हमें खुद से बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि खुद से ही हमें पाकिस्तान के लिए करना है। प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बड़े इनोसेंट बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और झंडियाँ लेके भी आए हैं। आप आज 14 अगस्त का दिन मना रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आज आपने कोई प्रॉमिस किया अपने आप से कि पाकिस्तान के लिए आपने क्या करना है? मैं बड़ा होकर इंशाल्लाह इंजीनियर बनूंगा और मैं हाफिज़े कुरान बनूंगा, मैं भी हिफ्ज़ करूंगा। आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए बड़े होकर? मैं बड़े हो, मेरा नाम फातिमा रऊफ है और मैं बड़े होकर एक आर्मी डॉक्टर बनूंगी। आर्मी डॉक्टर बनेंगे और पाकिस्तान को चेंज? हम सवाल कर रहे हैं कि लोगों ने कहा कि हम करप्ट हुक्मरान है, करप्शन है यहाँ पे, और हम अगर वोट ठीक करें तो फिर हम पाकिस्तान में बेहतरी आ सकते हैं। असल में हमारे जो मसाइल है ना, हमें रास्ता बताया गया है, हमें कायदे आजम ने भी असूल बता दिया है। सबसे बड़ी जो हमारे लिए रहनुमा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उन्होंने पूरी जिंदगी का लाया अमल हमें दे दिया। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें, उन कवानीन को जो कुरान में दिए गए हैं,
वो इत्तबाक करें तो हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं। आज हम जिन मसाइल का शिकार हैं वो हमने इस्लाम के जो सुनहरी उसूल हैं उन्हें छोड़ दिया, उस वजह से हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। आज अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लें और इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चलें तो मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है खोया हुआ मुकाम दोबारा वापस हासिल कर सकता है। बिल्कुल, बड़ी आम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर हम नीयतें अपनी साफ कर लें, ईमानदारी से दयानतदारी से अगर हम काम करें तो मुल्क में हम बेहतरी ला सकते हैं। और जैसे बार बार लोग ये कह रहे हैं कि जोश जज्बा तो हमारे अंदर कमी नहीं है, लेकिन खुद से भी आज के दिन अगर हम प्रॉमिस करें कि हम अपने अंदर चेंज लाने के लिए और इस प्यारे पाकिस्तान को लाने के लिए बहुत सारे आज के दिन हम ऐसे प्रॉमिसेस भी करें कि हम पाकिस्तान को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तकदीर कैसे बदल सकते हैं और करप्शन का खात्मा कैसे कर सकते हैं, नेक और साफ की आदत को सामने लाकर। यहाँ पर लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आम पब्लिक से बात करेंगे कि वो आज के पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है आज 14 अगस्त का दिन है और जिस तरीके से हम बार बार लोगों के जोश और जज्बे का जिक्र कर रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खुद से लोग क्या कर सकते हैं और क्या आज का जो पाकिस्तान है वो कायद के बताए हुए असूलों के मुताबिक चल रहा है। यहाँ पे हम जिस रोड पे खड़े हैं परेड रोड है, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे परेड भी होती थी, लेकिन जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं यहाँ पे अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे परेड भी हो सके। हमारे सामने बड़े बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट यहाँ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, प्रेजिडेंसी है, यहाँ पे बड़े बड़े घर मौजूद हैं। लेकिन एक ही सवाल जो आम पब्लिक से आज हम कर रहे हैं कि क्या जो कायद ने पाकिस्तान हमें दिया था, जिसका ख्वाब कायद अजम ने देखा था, क्या वो हमें आज नजर आता है या नहीं आता, और हुक्मरानों की क्या गलतियां हैं और हमारी क्या गलतियां, हम इसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। बड़ी तादाद में जैसे हम जिक्र करें कि लोग भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और बार बार नारे भी लगाने आए हैं। एक ब्रेक से पहले मुझे एक बच्चे ने कहा कि मैंने नारा लगाना था और आपने मेरी बात भी सुनी, मेरे ख्याल से मैं ढूंढ भी लूँ वो बच्चा क्या किधर यहाँ पे मौजूद नहीं। पाकिस्तान के लिए आप क्या कहेंगे कि कायद का पाकिस्तान है आज का या नहीं? पाकिस्तान आज का भी पाकिस्तान है, कल भी पाकिस्तान बनेंगे। कायद का पाकिस्तान लगता है आज भी पाकिस्तान? जी बिल्कुल है, हमारे जोश जज्बे वही हैं, हम उसी जोश जज्बे के साथ आज भी 14 अगस्त मना रहे हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। क्या सिर्फ हमें जोश जज्बा 14 अगस्त के दिन नजर आता है, ये सारा साल भी ये जोश जज्बा नहीं सारा साल होना चाहिए और इसी जज्बे के साथ हमको मतलब इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना रोल अदा करना चाहिए। हम अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं? हम अपने जैसे हम बार बार जिक्र करते हैं घर का कूड़ा क्रिकेट बाहर फेंक देते हैं, सिर्फ हम अपनी चीजों की बेहतरी के ख्याल रखते हैं अपने पाकिस्तान से नहीं, हमें अपने मुल्क का भी सोचना चाहिए। जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं वैसे ही ये मुल्क भी हमारे घर की मिसाल के है और हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। हम पाकिस्तान का ख्याल कैसे रख सकते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जैसे हम सवाल कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, बच्चे तो यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हम आगे भी जाके लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए आप क्या सोचते हैं। हम लोगों से यही सवाल करें कि पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, कायद अजम का पाकिस्तान लग रहा है आज का? जी मैं तो बस यही अभी पैगाम देना चाहूँगा कि मुल्क के जितने भी हालात खराब नजर आए तो होप को नहीं छोड़ना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपना हिस्सा डालना चाहिए। तरक्की के लिए हर किसी को अपना हिस्सा डालना चाहिए। और बच्चे जैसे बच्चे नारे लगाना चाह रहे थे, चलें आपसे भी हम बात कर लेते हैं। आप आज के दिन खुश हैं, 14 अगस्त का दिन है और क्या हमें हंसता खेलता पाकिस्तान चाहिए? हमें तो पाक ड्रोन से पाक है। हमें तो हर वक्त हंसता खेलता पाकिस्तान चाहिए जी, लेकिन ये है कि जो मेन नेसेसिटी है वो हमारी एजुकेशन है। एजुकेशन को जितना प्रमोट करेंगे, इस्लाम को हम असल एथिक्स के ऊपर जब सीख सेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी कौम में शऊर पैदा होगा तो सब कुछ बेहतर होगा। हमारे अंदर शऊर पैदा होना चाहिए और हम अपने अंदर शऊर कैसे पैदा कर सकते हैं? तालीम के जरिए? हाँ जी, तालीम के जरिए अपने मुल्क में मतलब हमें तरक्की करनी चाहिए, अपनी कौम को हमारे पढ़े लिखे होना चाहिए, तो इसी तरीके से। और बच्चे क्या कहेंगे आज अपनी 14 अगस्त किससे मनाई? मैं तराना पढ़ना चाहती हूँ। हम पढ़ेंगे बिल्कुल, अभी प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि मेंड में पढ़ेंगे, बच्चे से हम सुनेंगे भी। आज अपने 14 अगस्त कैसे मनाई? आंटी आज हम लोगों ने वो झंडे भी लगाए थे बहुत ज्यादा और घर में लाइटिंग भी की थी और बहुत मजा आ रहा था, बारिश भी होती हल्की हल्की और बादल भी आए हुए थे, कभी धूप आती थी कभी छाव, इसलिए मजा आया। अच्छा, जब पाकिस्तान में बम फटते हैं, जब धमाके होते हैं तो आपको डर लगता है, क्या होता है, क्या उस वक्त फील करते हैं?
आंटी उस वक्त बहुत डर से लगता है, ये जब नेवल कॉम्प्लेक्स में धमाका हुआ बहुत ज्यादा डर लगा था क्योंकि हमारा घर इसके बहुत नजदीक था, तो इसलिए हम सारे बहुत डर गए थे। तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा होना चाहिए, जैसे आज लाइटें लगी हुई हैं, लोग सड़कों पे निकले, ऐसे ही हम आए जाए खेले घूमते हैं? जी, हम लोग यहाँ पे लाइटिंग ही देखने आए थे और मैं चाहती हूँ कि हर वक्त यहाँ पे इसी तरह का हंगामा और मजा आए, बहुत मजा आए पाकिस्तान में, मजा आना चाहिए। हम ड्रोन से पाकिस्तान और बमों से पाक पाकिस्तान देखना चाहते हैं हम। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफी हद तक सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो कंट्रोल हुई है और आज बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर सब लोगों को इस तरह इकट्ठा देखकर। और आज 14 अगस्त का दिन है, हमारे इंडिपेंडेंस डे का दिन है, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू। 14 अगस्त आप ही मनाने आए हैं, क्या सोच के आए यहाँ पे, खुशी का इजहार करने आए? हाँ जी, खुशी का इजहार कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा था यहाँ फंक्शन था। आप ये बच्ची से मैंने सवाल किया, उसने कहा वहाँ पे धमाका हुआ तो मुझे डर लग गया, नेवल कॉम्प्लेक्स का वो जिक्र कर रही थी, तो वो कह रही कि मुझे ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहाँ लाइट हो, लोग बाहर निकले हों और हंसी खेलते हुए वो बाहर आए। बल्कि मैं तो यहाँ ये चीज़ देख कर बड़ा परेशान होता हूँ कि रात को भी ये नौजवान हमारे लड़के मोटरसाइकिल पर इंजॉय कर रहे थे और इनको बमुश्किल ऐसे मौके मिलते हैं लेकिन हमारे पुलिस वाले जो है इनके ऊपर डंडे बरसा रहे थे, लाठियां बरसा रहे थे, ये चीज़ देख कर बड़ा अफसोस हुआ मुझे। अब भी ये ऐसे अलर्ट खड़े हैं जैसे यहाँ कोई बम धमाका करने आए हो, लोग इंजॉय करने आए, इनको इंजॉय करने दें सही तरीके से। आपने बड़ी अच्छी बात की, ये कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे इंजॉय करने आए और लोगों को इंजॉय करने दें और ताकि खुशी से जो है वो अपनी खुशी का इजहार भी कर सके। बच्चे बड़े थे यहाँ पे, नारे भी यहाँ पे लगाने के लिए आए थे कि उन्होंने यहाँ पे नारे लगाने। आपने कैसे मनाई आज का दिन 14 अगस्त? बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छा तरीका था। आज आपने झंडे लिए, हमने झंडे लिए, गाड़ी को सजाया था। आपको ऐसा पाकिस्तान अच्छा लग रहा है आज, जो लाइटें लगी हैं और मजा आ रहा है, लोग सड़कों पे निकले, ऐसा पाकिस्तान पाकिस्तान जी पाकिस्तान अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुश। यहाँ पे लोग जिस तरह से बार बार जिक्र कर रहे हैं वो एक अच्छे नेक जज्बों का इजहार कर रहे हैं। और बच्ची ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि उन्हें पुरअमन पाकिस्तान चाहिए, बम धमाकों से पाकिस्तान जो है, सुसाइडल धमाकों से पाकिस्तान, पाक पाकिस्तान चाहिए। और वो कह रही है कि जो आज यहाँ पे लाइटिंग हुई है, लोग आजादाना तौर पर सड़कों पर फिर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान वो चाहती है। और ऐसे पाकिस्तान के लिए और क्या हम कर सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है 14 अगस्त के हवाले से और अच्छे पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं, और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम हमने पॉलिटिकल नहीं किया, आम पब्लिक से हमने बात करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। आपने मुझे कहा था कि आपने इंटरव्यू देना है, क्या इंटरव्यू देना है आपने? मैंने कहा था जब मैं अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और ये महंगाई और ये चोरी छप्पा ये सब खत्म हो हमारे मुल्क में और हम लोड शेडिंग का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए ताकि हमारा कैपिटल नहीं खात्मा किया जाए बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खात्मा किया जाए। और हम कहते हैं जो इंडिया के साथ हम जंग करने के लिए तैयार हैं, बाहर निकले, पाकिस्तान जिंदाबाद। छोटे से बच्चे के जज्बात आपने सुने और जिसे वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। और मैं इतने से बच्चे की बातें सुन के मैं वाकई हैरान रहेगी क्योंकि हम अपने बच्चों को लगता कुछ ऐसे है कि अंधेरों का मुस्तकबिल दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान तारीखियों में डूबा रहता है हर वक्त। तो हमारे बच्चों की ये सोच भी है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से बच्चे की बात जो है हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने भी सुनी होगी कि जैसे वो कहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में लोड शेडिंग जो है खत्म हो जाएगी। छोटी सी बच्ची बड़े मजे के लिबास में, आप क्या बनी हुई है इस वक्त? नेवल ऑफिसर बनी हूं। नेवल ऑफिसर बनी हुई है, बड़ों की क्या बनना है आपने? नेवल ऑफिसर बनेंगे। नेवल ऑफिसर बनने और बड़ी खुशी हो रही है ऐसे देखकर बच्चों को। और छोटे छोटे बच्चे जो है बड़े भरपूर जज्बात का भी अपने इजहार कर रहे हैं। जैसे अभी एक बच्ची ने कहा कि लोड शेडिंग जो है पाकिस्तान से खत्म होनी चाहिए, तो और क्या मसाइल है जिनको आप देख रहे हैं कह रहे हैं कि वाकई इनको खत्म होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान में और भी बहुत से क्राइसिस हैं जो हमें सबको मिलजुल कर खात्मा करना चाहिए जिनका, और पाकिस्तान में सब लोगों को मुतहद होकर जो भी इसमें बुराइयां हैं या जो भी हैं क्राइसिस उनको खत्म करना चाहिए। क्राइसिस कैसे खत्म हो सकते?
बेसिकली देखा जाए तो इस कौम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है कि हमें एक होकर यहाँ से काम करना चाहिए। हम बहुत सी नेगेटिव चीज़ें तो पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर निकलने का मकसद सिर्फ एक है कि हम पाकिस्तान में जो मीन्स यंग जो हमारी जनरेशन है उसमें जो जज्बा है हम उस चीज़ को भी पोर्ट्रेट कर सकें कि मीन हम लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को दोबारा उसी पाथ पर वापस लाना है जिससे हम डी ट्रैक हो चुके हैं। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप कि हम लोगों ने खुद मिलकर इस पाकिस्तान को बनाना है और खुद इस पाकिस्तान की हमने तामीर करनी है और अपने अंदर जज्बे इतने मजबूत करने हैं कि हम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। बच्चे हैं, खवातीन हैं और बार बार कहा जा रहे हैं, इन्होंने बात भी करनी है। जी क्या कहेंगी पाकिस्तान? जी बड़ी खुशी हो रही है, पहली दफा हम लोग निकले हैं। इससे पहले बच्चे छोटे छोटे से तो निकल नहीं पाए कभी, लेकिन इसमें तो इस्लामाबाद में फर्स्ट टाइम है हमारा और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो ऐसे ही उठकर चले आए थे, इतना कोई ख्याल नहीं किया कि इतना मजा आएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद एहसास हुआ कि यहाँ बहुत मजा आ रहा है। वाकई लग रहा है कि लोगों में अभी जोश व खरोश बाकी है, बल्कि सभी के दिलों में है, लेकिन बस हालात को देखते हुए और एक एक चीज़ पर इतना अफसोस होता है कि सारी खुशियाँ हमारी आज़ादी की जो है ना वो मान पड़ चुकी थी, लेकिन आज बाहर आकर ऐसा एक बार फिर वो याद ताज़ा हो गई है जो हम टेलीविजन पर देखते रहे या अपने बड़ों से सुनते रहे। आज़ादी की खुशियाँ अभी भी जवान हैं कि हमारे दिलों में? बिल्कुल जवान है, अगर हम हिम्मत करें और जुर्रत करें और दहशतगर्दी के जो सब असरात हैं उनको जाहिर करने की कोशिश करें, हम मिलजुल कर काम करें तो कोई वजह नहीं कि हमारी हिम्मत जवान है। हम कोशिश कर सकते हैं और मिल के काम करना है, और मिन हरसुल कौम सिर्फ यही नहीं कि चढ़ावा कर दें और खुशियां मना लें, पटाखे फोड़ने, हमें इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और इस दहशतगर्दी की जंग को अपनी जंग समझ के इसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमने टेररिज्म को मुकाबला करना है, लोड शेडिंग का मुकाबला करना है, महंगाई का, गुर्बत का, और किन किन चीज़ों का मुकाबला करना है? गो के आजकल हमारे मुल्क के हालात सही नहीं है, लेकिन हम पुरेतमाद है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क में फिर वही तरह अमन होगा। हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अमन आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल नेक जज्बों का इजहार जैसे बार बार कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए, पुरान पाकिस्तान के लिए जो है जद्दोजहद भी कर सकते हैं, और ये बच्चे छोटे छोटे फेस पेंटिंग्स भी हम दिखा सकते हैं, बच्चों ने की हुई है और बार बार खुश भी हो रहे हैं, वो आके नारे भी लगा रहे हैं। मुझे कुछ बच्चों ने कहा हमने कौमी तराना भी सुनाना है आपको, लेकिन एंड में हम आपसे सुनेंगे भी जरूर, पाकिस्तान के नारे भी लगाएंगे और पाकिस्तान के मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, मसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कि इन मसाइल से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे बुनियादी चीज जो है ना, पाकिस्तान के अंदर दयानतदार अफराद की क्यादत की जरूरत है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है हमें पाकिस्तान में कि हमारे पास हर चीज अल्लाह ताला ने, वसाइल हमारे पास बहुत हैं। अब बलोचिस्तान की आप एक अमेरिका का हमने जितना कर्जा हमने देना है, बलोचिस्तान के अंदर जितने हमारे वसाइल हैं उससे 200-250 बिलियन डॉलर के वसाइल मौजूद हैं। हमने कर्जा कितना देना है? 58 बिलियन डॉलर टोटल। तो सारे ये मसले हल हो सकते हैं, सिर्फ मसला ये है कि दयानतदार क्यादत हमें जरूरत है। दयानतदार क्यादत हमें कहाँ से मिलेगी? ये पाकिस्तान से मिलेगी और कहाँ से, बाहर से तो कोई नहीं आएगा, ये तो पाकिस्तान से ही करेंगे सारे। तो आप जैसे लोगों को वोट देते तो वही आएंगे ना आगे? वोट से कोई भी नहीं आता, ये तो हमारे जो है ना गलत है, हम ये वोट से आते हैं, ये सब जो है ना डील से आते हैं। वोट से अगर आते हो तो ये मुल्क कब का ठीक हो जाए? अभी भी बड़े घरों में बैठे हैं आपके सामने, जो बड़े घरों में बैठे हुए हैं सर, वो भी डील से बैठे हुए हैं? डील से बैठे हुए आप खुद बताते हैं टीवी पे, ये डील से बैठे हुए हैं, हमें तो कहने की जरूरत नहीं, आप खुद बताते हैं ये सब डील से बैठे हुए हैं। जिस दिन वोट से आना शुरू हो गए ना, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। जिस दिन वोट से पाकिस्तान में फेयर की आदत आएगी, पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती है, पाकिस्तान की तकदीर हम लोगों के हाथ में और हम लोग ही इसको बदल सकते हैं। हम हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बूढ़े सब मिलकर, हम जैसे बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हम खुद से तकदीर बदलेंगे इस पाकिस्तान की, लेकिन आज के दिन हमें यह अहद भी करना होगा कि हमने कैसे चेंज लेके आना है। आप क्या देख रहे हैं, कैसे हम चेंज ला सकते हैं? आपने भी बड़े फ्लैग फ्लैग बनाए हुए चेहरे पे, पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस तरह है, और जहाँ तक आप सोचें तो करप्शन है, और अगर एक मुल्क में जो है करप्शन इतनी बड़े कि हज के मामलात में भी करप्शन हो तो सोच का मुकाम है। और यहाँ पे जो है ड्रोन हमलों के बारे में अगर हम सोचें, लोड शेडिंग के बारे में सोचें कि 24 घंटे में 18 घंटे लोड शेडिंग है तो बिजली कहाँ जाती है? और खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर इधर तो फिर भी अच्छा है, खैबर पख्तूनख्वा में 18-19 घंटे लोड शेडिंग होती है, एक एक
एक घंटे तक भी बिजली नहीं होती और 18-19 घंटे लोड शेडिंग होती है। और इधर ये तो कैपिटल सिटी है, इसमें गुजारा चल सकता है और ये हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। करना क्यों नहीं चाहते हमारे हुक्मरान, क्या वजह है, क्या चीज उनको बॉदर करती है कि वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि वो अमेरिका के गुलाम है और अमेरिका से डरते हैं, साफ बात यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि वो जो है अमेरिका के गुलाम है और बरसों से जो है वो सीखे। क्या हम बाकी अमेरिका के गुलाम है? यकीनन हम अमेरिका के गुलाम है क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट कौम अभी तक अपने आप को साबित नहीं कर सके। मेरी कौम से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम जो करप्शन सबसे बड़ा जो इस मुल्क का मसला है, आवाम हमारे जो है बड़े कॉम्पिटेंट है और बड़े आनेस्ट लोग हैं और दे हैव पोटेंशियल, लेकिन अगर हम सिर्फ करप्शन पे काबू पा सके तो मैं कहता हूँ कि यकीनन पाकिस्तान इंशाल्लाह नंबर वन कंट्री साबित होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे लोग जिन जज्बात से इजहार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि करप्शन, जो हमने आम लोगों से आज बात की, आम लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करें कि करप्शन सोसाइटी से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, फेयर सोसाइटी होनी चाहिए। लोगों ने खुद ये कहा कि दयानतदार क्यादत जब आएगी पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। सबसे अहम बात सबने अपनी गुफ्तगू में की, बच्चों ने ये कहा कि लोड शेडिंग से पाकिस्तान को निजात चाहिए, उन्हें ऐसा चमकता दमकता पाकिस्तान चाहिए जो आज लाइटों से भरा, हम जो बिल्डिंग्स में भरा पाकिस्तान देख रहे हैं, ऐसा उनको पाकिस्तान चाहिए। और एक बात जो आम लोगों ने यहाँ पे सबने की, करप्शन का उन्होंने जिक्र भी किया, दयानतदार क्यादत का भी किया, और आखिर में भी फिर हम सबकी खुद से जिम्मेदारी भी हो सकती है कि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए हम खुद से भी अपना किरदार अदा करें, पढ़े लिखें और पढ़ लिख कर और पाकिस्तान को एक जिम्मेदार हाथों में अगर सौंपेंगे तो पाकिस्तान वाकई बेहतर हो सकता है और फिर दुनिया के सामने हम कह सकते हैं कि हम एक जिंदा दिल कौम है, हमारे जोश और जज्बे हमारे जवां हैं और हम पाकिस्तानी हैं। और जैसे आज जज्बा 14 अगस्त के दिन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, वो यहाँ पे लोगों से बात करके मुझे भी महसूस हुआ कि वाकई पाकिस्तान जो है वो जिंदा है। आखिर में आसमा चौधरी को इन सेशन से पार्लियामेंट हाउस के बाहर इजाजत दीजिए, आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इसके साथ ही एक नारे के साथ आप लोग कुछ नारा लगाना चाह रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद।